हेलो सलामुअलैकुम। जी। वालेकुम सलाम ख्वाजा बिलाल सर से बात हो रहा मेरा। जी, बोलिए। अरे सर, आप मस्जिदों के लिए इतना जबरदस्त वो करे, आज सिक्योरिटी की मस्जिद में जाना था ना सर आपने। हमें नहीं देखिए, ये ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। बाजी तो आप सर वही में कर रहे ना सर, बाबरी नहीं मस्जिद पे सुनिए, इतना बोले आप सर। एक बात सुनिए, बात सुनिए। आप अपनी बात करने फोन करें तो मैं कट कर दूं, बोलिए, आप आप फोन करें अपनी तो बात हमसे रखिए, भी बात। मेरी भी बात सुनना सर पूरा, फिर आपने बोलिए। नहीं, आप हमारी बात सुनिए, फिर उसके बाद अपनी बात बोलिएगा। क्या ओके हुकूमत के लिए हुए फैसले सड़कों पे होते हैं? अच्छा, आप मुझे जवाब दीजिए, हुकूमत के फैसले सड़कों पे होते हैं? नहीं आप बोलिए, मैं जवाब बरोबर दूंगा आपको पूरा। बिल्कुल नहीं, आप मुझे इतना बोलिए खाली, हुकूमत के फैसले जो है सड़कों पे होते सर, हैं प्रोटेस्ट से या प्रोटेस्ट ऐवानों में का होते हैं? है, हुकूमत के फैसले अगर हुकूमत नहीं माने तो सड़कों पे आप प्रोटेस्ट कर सकते, संविधान ने हमारे को अधिकार दिया वो कर सकते आप। आप मुझे ये बताइए, हुकूमत के फैसले सड़कों पे होते बिल्कुल क्या? सर बिल्कुल, हुकूमत नहीं माने तो एक ही है, गांधी भी सड़क पे निकल के प्रोटेस्ट करके काम करे सर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर गांधी जी का जमाना वो जमहूरियत का था, आज जमहूरियत का नहीं है। आज आज जमहूरियत का जमाना नहीं है आज कि आज गांधी जी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आज आज हिटलर की हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर। बरोबर, जैसे तुम्हारे कश्मीर जो हिटलर जो है किसानों पे जुल्म कर रहा, जो हिटलर रेड्डी साहब है, सीए तुम्हारे एनआरसी, पीआर साहब है, राइट बरोबर बोल जो रहे आप। जो हुकूमत जो वो हिटलर की हुकूमत है, सीए के खिलाफ में जो चल रहा है वो हिटलर का कानून है। जो अच्छा किसानों का आंदोलन है वो हिटलर का कानून है। सर, तेलंगाना आप में केसीआर और असदुद्दीन अवैसी, ये दो का ही चलता है रोल, आप खुद बोले। ओल्ड सिटी में नहीं, आप केसीआर असद को साहब आने को के लिए आप असद बैरिस्टर साहब की को परमिशन आप लगती, असद साहब को चीफ मिनिस्टर से ना मिलाया। असद साहब एक एमपी है। केसीआर तो आप खुद ही बोले सर, असद साहब असदुद्दीन अवैसी केसीआर को भी ओल्ड सिटी में आने के लिए बैरिस्टर की परमिशन लगती, और वो आप भी क्या मुसलमानों के आप भी ओल्ड ताकत सिटी वो में मस्जिद मुसलमानों छोड़ का। दिया, आप खामोश बैठे सर। गलत है अरे ये, आप सुनो मेरी उनके बात। इमिग्रेशन सिया अरे की यार, वजह से सर गाजी किया सकते थे आपने। क्या तुम खाली बात करने के लिए फोन, अपनी आवाज सुनाने के लिए फोन कर रहे तो मत किया करो। सर, क्या सर, आप क्या तुम बोलते हैं अपनी इस बार आवाज, पॉइंट अगर पे? तुम अपनी आवाज, तुम फोन पे बैठ के लीडर नहीं बन सकते, मेरी बात सुनो। बिल्कुल भी नहीं बनना है सर लीडर, कोई शौक नहीं है, फोन पे बैठ के अपनी टीआरपी मत बढ़ाओ, कोई क्योंकि टीआरपी फोन पे बढ़ाने खाली के लिए नहीं टीआरपी सर, बढ़ने आप वाली नहीं टीआरपी है। बढ़ाने के लिए कर रहे हो अगर सर, आपने अगर खुद टीआरपी फेसबुक बढ़ाने के लिए के पांच अगर साल फेसबुक के मस्जिद और पे फोनों रहे के हिसाब पे चले आप। तो हुकूमतें नहीं चलेगी, फैसले नहीं होंगे हुकूमत आपने के। अपने जेब से 30 लाख रुपए खर्चा करे।